अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। आप लोगों को मैं बता दूं, टिकटॉक को लेकर के अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। ट्विटर पे हैशटैग चलाया जा रहा है बैन टिकटॉक करके। जैसे कि हम आपको बता दें, टिकटॉक अभी बंद होने के दो कारण सबसे बड़े अभी माना जा रहा है। तो सबसे पहला कारण हम आपको बता दें टिकटॉक बैन होने का, पहला कारण ये है कि टिकटॉक एक चाइना का ऐप है, और दूसरा ये है कि लॉकडाउन के भीतर बहुत सारे टिकटॉकर्स है जो बाहर आकर के वीडियो बना रहे। हम आपको दिखा सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारे टिकटॉकर्स है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे और सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे, बाहर रोड पे निकल करके टिकटॉक बना रहे। हाल ही में काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे कि पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, केस फाइल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं बहुत सारे टिकटॉकर ऐसे है जो बाहर आकर के बेफिजूल टिकटॉक बना रहे और सोशल डिस्टेंस की तो धज्जियाँ उड़ा रहे, साथ ही साथ पुलिस का भी मजाक उड़ाते हुए नज़र आ रही कि हमारे एरिया में पुलिस नहीं है, और ऐसा काफ़ी वाहियात वीडियो बना रहे टिकटॉक पे। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन जो जॉबलेस हो गई थी टिकटॉक के चक्कर में, और काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आते थे सामने कि कुछ लोग झगड़ा करते थे अपने पेरेंट्स से, आईफोन वगैरह की डिमांड करते थे, लाइट की डिमांड करते थे टिकटॉक बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए टिकटॉक की वजह से काफ़ी जो लोग है वो जॉबलेस तो हो ही गए थे, लेकिन उनके पास कुछ काम करने को भी नहीं रह गया था और कुछ काम भी नहीं कर रहे थे। तो इसी के साथ तमाम समाज, राजनीति व मुंबई की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।